इट्स वेरी इजी टू मेक वीडियोज ऑफ 15 सेकेंड्स एंड गो वायरल इंस्टेड ऑफ मेक वीडियोज ऑफ 10 मिनट्स एंड गो वायरल। तो हेलो व्यूअर्स, कैसा आप सब? मैं आज आपके सामने आया हूं आपका दोबारा वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे। तो एज मैं आपको बताऊं कि जो करंटली जो सिचुएशन चल रही है YouTube पे वो ये कि देखो TikTok और YouTube में क्या बेस्ट है। देखो मैं आपको साफ सीधी एक बात बताता हूँ इस बारे में, आप इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊँगा जो एक इंटरकनेक्टेड है दोनों में। देखो TikTok और YouTube जो है ना दोनों ही एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो TikTok पे वीडियोस बनती है वो 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक बन जाती है, और जो वीडियो जो YouTube पे हम बनाते हैं वो बनती है 3 मिनट, 1 से मिनट से जाके 10 मिनट की आपको बनानी पड़ती है, 5 मिनट की बनानी पड़ती है, 3 मिनट की बनानी पड़ती है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका सेकेंड्स में उसमें काम नहीं चल पाता YouTube में। अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है, देखो सीखने के लिए आदमी अगर एक TikTok पे अगर वो सीखे ना तो TikTok पे बेहतर नहीं होता, क्योंकि अगर मैं भी देखता हूँ जो हिमेश मैदान है और जो उसके अदर वो सिमिलर चैनल्स हैं TikTok पे भी आ गए, अराउंड 100 में से 90% ऐसे चैनल्स हैं TikTok पे जो फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और अपना आपको बढ़ाने के लिए, अपना जो नज़रिया है, अपना जो शान और शौकत है उसे बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो TikTok पे जो यूज़र्स हैं वो होने वाले हैं जो ग्रोसरीज़ वाले होंगे, लो लेवल के होंगे, मिडल लेवल के होंगे, और मतलब एक बिलो लेवल से भी लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का भी एक TikTok यूज़र आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट इन YouTube में अगर वो अगर सोचता है कि चैनल बनाए तो YouTube में उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो वीडियोस होगी वो लंबी खींचनी पड़ेगी। अगर TikTok पे वीडियो बनाता है कोई भी आदमी तो वो 15 सेकंड में ही इस तरह के फर्राटेदार बना के एक स्लो मोशन में, जैसे आप ये देख पाते हैं कि स्लो मोशन में सीढ़ियों चढ़ता हुआ आदमी या फिर कोई एक लड़की बना लेती है तो वो उसी से फेमस हो जाती है, जबकि YouTube में ऐसा नहीं है। YouTube में तो एक व्लॉग में, एक वीडियो में स्लो मोशन की 15 से 20 सेकंड की जो वीडियो होती है ये तो एक वीडियो में ही आ जाती है, जो एक तरीके से ग्लिम्स होता है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल TikTok पे जो ऑडियंस रिटेंशन है, आम आदमी क्या सोचता है अगर एक यूज़र है पहली बार नया यूज़र आया है TikTok, उसने इंस्टॉल किया, वो क्या सोचता है TikTok के बारे में? कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, वीडियोस देख रहा है, आफ्टर सम टाइम वो जैसे ही जैसे वीडियो देखता रहेगा तो उसके मन में खुद ये बात आ जाएगी ये तो 15 सेकंड तक वीडियो है, मैं भी बना के शायद मैं भी फेमस हो जाऊँ। तो ये वाली बात सामने आती है लोगों के, एक आम आदमी के सामने आती है कि 15 सेकंड तक तो मैं भी बना सकता हूँ, वो स्लो मोशन पर शॉर्ट देता है, चैनल बना देता है, इसीलिए एक्टिव यूजर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए बूम जो TikTok में आया ना इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक आया वो इसी वजह से, क्योंकि आदमी देख देखने में वो यहाँ से यहाँ तक चाहता है, क्योंकि देखा दाखी में TikTok पे आया है आदमी। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि जो बहुत से यूज़र्स ऐसे हैं जो पुराने, जो लो लेवल के जो यूज़र्स हैं, जो मिडल लेवल के यूज़र्स हैं, जो सब तरह के यूज़र्स, उसमें आप लगा लीजिए माइंडसेट आदमी का देख देख के ऐसा हो जाएगा कि हाँ मुझे भी अब चैनल बना लेना चाहिए। YouTube में आपको है पूरा एक चैनल बनाना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वीडियो का जो लर्निंग स्किल्स हैं उसको आपको ध्यान में देना पड़ता है। TikTok जो आप यूज़ करेगा ना वो एक फन लविंग के लिए यूज़ करेगा, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करेगा, बट इंस्टेड अगर YouTube को यूज़ करता है तो वो उसमें स्टडी के लिए यूज़ करता है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करता है, उसमें जो चीज़ें हैं और ज़्यादा जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो सकता है। सपोज मुझे अगर कोई चीज़ देखनी है, मुझे कोई स्टडी करनी है, मुझे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो मैं YouTube की तो हेल्प लूँगा इंस्टेड ऑफ TikTok। तो TikTok पे ऐसा नहीं है, TikTok इज़ एंटरटेनमेंट और YouTube इज़ अ बंच ऑफ एंटरटेनमेंट, YouTube is a bunch of education, YouTube is a bunch of songs and all। YouTube में collections है हर तरह का माल है, हर तरह की चीज़ है, but TikTok में है 90% जो है entertainment है, 10% सिर्फ education है। खुद का point of view ये है कि आदमी जो है TikTok पे ज़्यादा रह के ना 15 सेकंड का जो वीडियो है 15 सेकंड में क्या सीख लेगा इंसान, ये आप देखो ना 15 सेकंड में क्या सीख लेगा। इंस्टेड ऑफ अगर वो TikTok पे आता भी है ना तो उसे ये ज़रूर सर्च करना पड़ेगा हाउ टू मेक वीडियोज ऑन TikTok, वो भी जाके YouTube पे। TikTok पे आने वाला जो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, TikTok पे जो वीडियो बनाने वाला है उसको भी सबसे पहले YouTube पे सर्च करना पड़ेगा जाके। तो दैट्स द पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आदमी किसी न किसी तरीके से डाइवर्ट होकर YouTube पे ही जाएगा, ठीक है। अगर TikTok पे वीडियो बनाएगा तो YouTube पे ही जाके वो सर्च करेगा कि हाउ टू मेक ए वीडियोज ऑन TikTok। वी ऑल आर रेस्पेक्टेड ऑल द TikTokers एंड ऑल द YouTubers के जो हर अपनी अपनी लाइन में एक अलग ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को लगता है हम यूट्यूबर जो हैं ऐसे ही काम करते हैं, हम यूट्यूबर्स को ऐसा लगता है जो TikTokers हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, बट आदमी हर अपने
लेवल पे हो वो बेस्ट टू बेस्ट देना चाहता है, ठीक है, चाहे वो 15 सेकंड की वीडियोस ही को बनाना हो। क्या पता 15 सेकंड की वीडियोस बनाने के लिए 1 घंटा उससे लग जाता है। इसी तरीके से जब हम यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं उसमें 2 या 4 घंटे लग जाते हैं। हम क्या एक बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं लाइक टेक्निकल गुरु जी, वो 1 क्लिक शॉट में ही पूरी वीडियोज़ को बना देते हैं। टिकटॉक की सबसे अच्छी बात जो मुझे पता लगी वो ये कि उसमें टैलेंट की कमी नहीं है हर आदमी में, जो गरीब आदमी हो, चाहे वो मिडिल क्लास का आदमी हो, चाहे वो अमीर आदमी हो। मतलब एक इम्पॉसिबल सी फीलिंग आती है कि अनबिलीवेबल सी बात निकलती है कि दिस इज़ अनबिलीवेबल, क्या ये हो सकता है कि देखो ये क्या कर दिया। मतलब एक ये वाला आदमी भी इस तरह की चीज़ इसमें कर सकता है। तो थैंक्स टू टिकटॉक कि उसने जो है एक जो अपनी एप्लीकेशंस है वो अपने रूरल एरियाज़ में ही पहुँचाए और वहाँ से टैलेंट को बाहर निकाला है। इंस्टेड के अगर कोई रूरल आदमी भी यूट्यूब पे आना चाहे तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको चाहिए कि 3 मिनट की वीडियो बनानी है और उसके उससे बोला नहीं जाता। 15 सेकंड में उसको ये लगता है कि हाँ मैं इतने सेकंड तो बोल ही सकता हूँ, इतनी ही चीज़ें जो है इतना ही टाइम तो मैं इस पर शूट में गुजार सकता हूँ कि अपनी जो बात है ऑडियंस को मैं बता सकूँ। देखो हर आदमी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोचने का कि क्या वो उस बारे में सोचता है, और दोनों ही अपना आप में एक खुद में एक इंटरडिपेंडेंट एप्लीकेशंस हैं यूट्यूब और टिकटॉक, ठीक है। बस यही मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है और इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस के हर चीज़ इंडिया में अवेलेबल है, हर आदमी के पास एक अपना एक खुद का टैलेंट है, चाहे वो 15 सेकंड का हो चाहे वो 15 मिनट का हो। हर आदमी अपना अपने टैलेंट बनाना जानता है, हर आदमी हंसाना जानता है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है जिसके वो दम पे यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता है। तो दे बहुत एप्लीकेशन हैव डिफरेंट सीनैरियोज एंड इसमें डिफरेंस करना बहुत बड़ा एक गलत बात है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बल्कि आप क्या सोचते हैं आप बताइए आप इस बारे में अपने कमेंट्स बॉक्स में। एंड आई होप आपको एक ब्लॉग जरूर पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर ब्लॉग को जरा लाइक करके हैव कर दीजिए करना फ्रॉम लाइक टू डू और कमेंट डाउन योर ब्लॉग। ज़रूर बताइए आप अपने इस बारे में कि क्या आप सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताएं इस बारे में, ठीक है। क्या आपका कहना है, टिकटॉक आप किस तरीके से लेते हैं, यूट्यूब आप किस तरीके से लें, डार्क एंड लाइट साइड ऑफ दीज टू एप्स, ठीक है। और प्लीज़ मेक श्योर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। एट द एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। तब तक के लिए।